नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे दशरथ मांझी के बारे में। देश में जब प्रेम की कहानियों का जिक्र होता है तो हीर रांझे से लेकर आज तक के कई नामों का जिक्र होता है और हम सभी लोग बार बार उनके नामों को दोहराते हैं। हम सब में से ज़्यादातर लोगों ने आगरा का ताजमहल जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो कभी न कभी उसके बारे में कहानियों में ज़रूर सुना होगा कि मुग़ल राजा शाहजहाँ ने अपने प्यार यानी कि मुमताज की याद में आगरा में संगमरमर का ताजमहल बनाया था। यह तो बात हुई एक राजा की जिसने अपनी महबूबा के लिए ताजमहल बना दिया, लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के प्यार के बारे में बताने जा रहे हैं वह कोई राजा नहीं बल्कि एक निम्न मध्यम वर्ग के साधारण सा व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी की खातिर पहाड़ का सीना काट दिया। आज उस पहाड़ के बीचों बीच में एक सड़क है जो अपने प्यार के लिए यानी कि उस व्यक्ति के प्यार के लिए अमर कहानी को कहता है। इस प्रेम पथ की कहानी की शुरुआत होती है दशरथ मांझी और उनकी पत्नी फगुनी देवी से। कहते हैं कि उनके प्रेम कहानी की दूसरी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में 22 साल तक छेड़ी हथौनी से पहाड़ काटकर जो सुगम रास्ता बनाया वह आज अनूठे प्रेम का प्रतीक बन चुका है और आज के युवाओं के लिए प्रेरणा दे रहा है। दशरथ मांझी आज भले ही हम लोगों के बीच नहीं है लेकिन यह सुगम रास्ते पर चलने वाले लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आज इस पथ को प्रेम पथ के नाम से जाना जाता है और हर आने जाने वाले लोग वहां रुककर सेल्फी जरूर लेते हैं। दशरथ मांझी को लेकर बोलते हुए दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कहते हैं कि मेरे बाबा दशरथ मांझी जंगलों और पहाड़ों से लकड़ी काटकर बाजार में बेचते थे जिससे हमारा पेट भरता था। मेरी माँ फगुनी देवी पिता के लिए पहाड़ पर खाना पहुँचाती थी। एक दिन खाना ले जाते समय उसे पत्थर से ठोकर लग गई और वो गिर गई। खाना बर्बाद हो गया और तब से वो बीमार रहने लगी। इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई तो पिताजी ने प्रण लिया कि जब तक पहाड़ को तोड़कर रास्ता नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जब उन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो गांव के लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने सालों तक अपने इस कार्य को नहीं छोड़ा। वे पहाड़ काटते रहे। एक दिन वह दिन आ गया जब पहाड़ काटकर उन्होंने रास्ता का रूप दे दिया। अब लोग उस कटे हुए पहाड़ पर बने रास्ते को देखते रह गए। अब यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस सड़क के साथ अपनी तस्वीरें लेना चाहता है, अपनी यादों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। दशरथ मांझी को लेकर उनके गांव के लोग बताते हैं कि दशरथ मांझी की ख्याति तब मिलनी शुरू हुई जब वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना गए। जब सीएम नीतीश कुमार को दशरथ मांझी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बुलाकर सम्मान से अपनी कुर्सी छोड़कर बाबा दशरथ मांझी को बैठा दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना मीडिया की सुर्खियाँ बनी और इस मुद्दे पर आज भी चर्चा होती है। उन्होंने यह भी बताया कि साल 1960 से लेकर 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी दिलो दिमाग से एक ही बात घूमता था, पत्नी की मौत का बदला लेना है। इसी जुनून का नतीजा है कि दशरथ मांझी ने 22 साल पे 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बना दिया। आज हम लोगों के बीच में दशरथ मांझी प्रेम का प्रतीक बन चुके हैं और युवाओं के बीच में प्रेरणा का स्रोत। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो इस रास्ते पे एक सेल्फी लेना नहीं भूलते, यानी कि अपने तस्वीरों में उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। पहाड़ काटकर रास्ता बन जाने के बाद से अत्री और बजीरगंज ब्लॉक की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर रह गया है। दशरथ मांझी के इस प्रेम कहानी पर केतन मेनन ने फिल्म बनाई है जिसमें दशरथ मांझी को गरीबी का शाहजहां बताया गया है। साल 2007 में दशरथ मांझी हम लोगों को छोड़कर चले गए लेकिन उनकी अमर प्रेम कहानी आज भी प्रेम पथ पर जारी है, अनवरत जारी है और आने वाली पीढ़ियां हमेशा उन्हें एक नायक के रूप में याद करेगी। दशरथ मांझी आज भले ही हम लोगों के बीच नहीं है लेकिन आज भी प्रेम की जब मिसाल दी जाती है तो उसमें दशरथ मांझी का नाम बड़े ही फख्र के साथ लिया जाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।